गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ न्यू व्लॉग और फाइनली मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गया, तो जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं जल्दी से बस उसे अपलोड कर दूं। और नर्वस था मैं काफ़ी, क्योंकि पहला रिव्यू था मेरा, तो इस वजह से मुझे भी लग रहा था कि ठीक से हो जाए, बट ठीक से हो गया। उसमें कहीं ना कहीं नॉइस की और आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पीछे शोर काफ़ी हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो ठीक से नहीं बन पाया। बट लेकिन हमने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो अच्छा हो जाए, और तो काम चल रहा है उस पर, थोड़ा सा बस और रह गया है कंप्लीट करने को। धूप निकल आई है, बहुत तेज़ धूप है, आज भी अच्छी धूप है, अच्छा मौसम है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कमेंट्स में, अगर कहीं ना कहीं कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आप। और वीडियो, शॉर्ट वीडियो और फ़ोटो काफ़ी अच्छे हो गए, तो वो आप देख सकते हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और एक कमी रही, जो जब मैं गया तो वहाँ दो मॉडल नहीं थे, दो मॉडल थे उनके कलर्स वगैरह सारे मैंने कवर कर लिए, और दो मॉडल जो थे वो कवर नहीं हो पाए। जो मेन मॉडल था पैराक सिंगल सीटर, वो नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वो सेल हो चुकी थी, डिमांड ज़्यादा है उस बाइक की। मैम बता रही थी बुकिंग आती है और तुरंत ही निकल जाती है, और एक बेस मॉडल था तो उसकी डिमांड कम है, तो इस वजह से वो नहीं थी वहाँ पे। वैसे रहती दोनों ही हैं, मैम ने कहा स्टॉक में रहता है हमारा, बट कल जब हम गए तो नहीं था वहाँ पे। कोई इशू नहीं है, कवर कर लेंगे, टाइम मिलेगा फिर बना लेंगे वीडियो शूट, फिर कर लेंगे। लेकिन जो जो हो गई, जो बाइक लेना चाहते हैं, जावा में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वीडियो में जहाँ तक है मैंने थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें कवर कर दी हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, जो आप बात कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। और बाईपास पे ही है, पास में ही है, जो बरेली के आसपास रहते हैं और बरेली में रहते हैं, और वन एंड ओनली शोरूम है, ये एक ही शोरूम है जावा का, तो देख सकते हैं जाके, बाइक अच्छी हैं, बुकिंग करा सकते हैं, फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वीडियो शूट हो गया, अच्छे अच्छे वीडियो मैं चाह रहा हूँ और बन जाएं, ऐसे वीडियो जो आप लोगों के काफ़ी मदद करें बाइक ख़रीदने में। तो जावा का तो मेरा खुद ही मन था बाइक का शूट करने का, तो वो भी हो गया। और जो छोटी मोटी कमी रही वीडियो शूट में, वो अब नहीं होंगी, कोशिश करेंगे कि वो कमियां ना हों, क्योंकि फ़र्स्ट रिव्यू था मेरा भी, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बट कोशिश ये थी कि अच्छे से अच्छा हो जाए, और अच्छा हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी घर से भी फ़ोन आ रहा है, तो घर जाना पड़ेगा, छोटी वाली रो रही है, कल शादी में गए थे तो शादी में जाने वो गोदी ही चढ़ी रही, उतरी नहीं गोदी से, बच्चों के संग थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है, तो करना पड़ता है एडजस्ट हम लोगों को ही, कि बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो छोटी वाली और उससे जो बड़ी वाली है, वो ज़्यादा मुझसे अटैच है, दोनों छोड़ती नहीं है। अब पूरे दिन वैसे भी मम्मी जी मोर्चा संभालेंगी, हम तो बाहर आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं भी फटाफट, मुझे लग रहा है मुझे ऑटो करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी घर जाना है, दो बार फ़ोन आ चुका है मैडम का, तो जल्दी निकलना पड़ेगा, काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं, बाहर आके ही आके शूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छे से शूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो। अभी मैं जैसे ही बाईपास पे जाऊँगा तो बहुत आवाज़ और नॉइज़ वगैरह बढ़ जाएगी, तो शूट नहीं हो पाएगा। तो वीडियो शूट हो गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं अब घर पे। तो अभी मुझे ऑटो से आना पड़ रहा है, वैसे मैं रनिंग करता हुआ आता तो टाइम बहुत लगता, घर से फ़ोन आ गया, छोटी वाली रो रही है, परेशान कर रही है बहुत, इस वजह से मुझे ऑटो से आना पड़ा। दो तीन बार फ़ोन आ गया घर से कि परेशान कर रही है, रो रही है, वैसे बच्चे उठते नहीं हैं जल्दी, आज उठ गए, क्योंकि बड़ी वाली का आज स्कूल भी है,
स्कूल का दिन भी है तो इस वजह से उठ गए वो, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। वहाँ से मैंने ऑटो में भी आया हूँ। आप रो रही थी, मैं आप तुम्हारे जल्दी जल्दी आया। आई शेडो पूरा दे दे आपको, आई शेडो लगाओगी बताइए, आई शेडो लगाएंगी ये आई शेडो।